सो ऐसे पैकेज में आया है और इसको मैं निकाल लेता हूँ। ये बिलिंग है, कुछ 2300 का पड़ा है ये मेरे को, 2299। तो ये रहा हमारा बोट निर्वाणा आयोन, और ये मैंने ब्लैक कलर का ऑर्डर किया है, पहले मैंने वाइट मंगाया था। इसका बैटरी बैकअप और साउंड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, 120 आवर्स का मैसिव प्ले टाइम है, और लाइक बिना चार्ज किए भी ये 24 आवर्स तक के चल सकता है। और इसका साउंड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, स्वेट प्रूफ है, लाइक जिम वगैरह में आप स्वेट शील्ड है जिम वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। गेमिंग के लिए बीस्ट मोड दिया हुआ है, डबल इक्वलाइजर है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। इसको ओपन करके देखते हैं, मैंने ऊपर से ओपन कर लिया, तो फिर ऐसा बॉक्स मिल जाता है आपको, देख सकते हैं बहुत बॉक्स तो ज़बरदस्त लग रहा है। इसके मैंने आपको पूरे फीचर्स नहीं बताए। एयर सेंसर है, जैसे ही आप लगाएंगे कान में तो वो सेंस कर लेता है। 5.2 ब्लूटूथ है, इक्विलाइजर है, गेम के लिए बीस्ट मोड है, और बहुत कुछ है इसमें। टच कंट्रोल है, माइक दिए हुए, ANC के साथ आता है, इसमें ANC नहीं है, मगर 2000 या 2200 की रेंज में ये TWS ज़बरदस्त है। इसके बॉक्स में 7990 का प्राइस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी एक पैकेजिंग थी, इसको मैंने कट कर लिया, और फिर ये मैग्नेटिक वाला लाइक देख सकते हैं बॉक्स है, और ये बोट की ब्रांडिंग, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, देख सकते हैं आपको कौन सा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मेरे को तो ब्लैक बहुत सही लग रहा है, लाइक वाइट के कंपैरिजन में तो ब्लैक बहुत ज़्यादा सही है। तो मैं ये वाइट वाले को पिछले 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए ये सब देखते हुए मैंने ब्लैक ऑर्डर किया है। उसमें थोड़े से डिफेक्ट आ रहे हैं, लाइक कुछ कुछ देर में डिस्कनेक्ट हो जाता है, हर 10-10 मिनट में थोड़े डिस्कनेक्ट होता है फिर कनेक्ट होता है। तो इसको मेरे को वारंटी में देना है, और बाकी है ये ज़बरदस्त चीज़, 10mm का ड्राइवर है, और इसकी साउंड क्वालिटी यानी 2000 के अंदर वाले ईयर TWS में या ईयरबड्स में ये बहुत ज़बरदस्त है। लाइक अंदर भी ब्लैक वाले में तो बहुत प्रीमियम लग रहा है गाइस, क्या बताऊँ। और मेरा चेक्ड है, इसकी बैटरी बैकअप बहुत ही ज़बरदस्त है, लाइक आप 1 वीक तक के इसको यूज़ कर पाएंगे अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हैं तो, लाइक आपको चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं। अब इसको मैं साइड में रख देता हूँ, और अंदर क्या क्या आता है ये देखते हैं। यहाँ रख दिया हूँ, और अब देखते हैं अंदर बॉक्स में क्या क्या है। इसको ओपन अप कर लेते हैं, और इसके अंदर कुछ पेपर वर्क वगैरह दिख रहे हैं, देख सकते हैं ये पूरे इसके वारंटी और पूरा पेपर वर्क है, बोट का स्टिकर है, और कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो गाइस बहुत सारे पेपर वर्क आ जाते हैं, देख सकते हैं पूरा भरा हुआ ये एक, और फिर ये कुछ QR दिया हुआ है ये, फिर ये भी बहुत सारे इसमें लाइक अलग अलग मॉडल्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है क्या क्या बोर्ड बनाता है, और बहुत सारे स्टिकर्स वगैरह हैं इसमें, लाइक बहुत सारे स्टिकर्स आए हैं। और ये इसके लाइक रबर बर्ड्स देख सकते हैं, लाइक आपको अगर चेंज करना रहे तो, और ये टाइप सी केबल, एंड इसकी प्रॉपर ऐप है गाइज, आप ऐप जाके डाउनलोड करेंगे और इसको आप कैलिब्रेट कर सकते हैं, बोट हेड करके ऐप है, और उससे आप इसको पूरे ईयरबड को कैलिब्रेट कर पाएंगे, लाइक आपको कितने टैप में क्या फीचर्स चाहिए, गूगल असिस्टेंट चाहिए, सीरी चाहिए, या जो भी उस अकॉर्डिंग आप यूज़ कर पाएंगे। लाइक ब्लैक के कंपेरिजन में वाइट मज़ेदार नहीं है, इसका ऑर्डर करिए तो ब्लैक ही करिएगा, क्योंकि ब्लैक मेरे को बहुत सही लग रहा है। ये रहा ब्लैक, बहुत ही सॉलिड है, बहुत ज़बरदस्त है। पैकेजिंग थी उसको मैंने निकाल दिया है, हम देख सकते हैं पूरा ग्लॉसी है, जिसमें बोट का साइन बना हुआ है, बहुत सही है गाइस, बहुत सही है ब्लैक। और ये रहा वाइट, वाइट थोड़ा सा गंदा है क्योंकि इसको मैं अभी कंटिन्यूस यूज़ कर ही रहा हूँ। सो इसके अगर बेसिक्स की बात करें हम लोग, तो ये सिंगल टैप इसमें करेंगे तो ये पॉज प्ले होता है, डबल टैप करेंगे तो सॉन्ग्स वगैरह चेंज होते हैं, अगर इसमें ट्रिपल टैप करते हैं तो फिर ये वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है, होल्ड करके रखेंगे तो इसका सिग्नेचर मोड और बैलेंस मोड चलता है, वही दूसरे साइड से आप दूसरे वाले साइड से आप बीस्ट मोड जो कि गेमिंग मोड है वो एक्टिवेट कर सकते हैं, या आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इसके ऐप के थ्रू, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये था इसका रिव्यू प्लस अनबॉक्सिंग, तो आप चाहिए तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा से आउट ऑफ स्टॉक रहा है, और ये द बिग थिंग नाम से बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, अभी भी इसका स्टॉक इतना पर नहीं है, कभी भी आता है और कभी भी गायब हो जाता है।